बॉलीवुड के काका यानी राजेश खन्ना अपने अलग स्टाइल की वजह से इतने हिट हुए कि लोग उनके दीवाने हो गए, और दीवानगी ऐसी थी जो किसी और अभिनेता के लिए सपना हो। 70 के दशक में बड़े पर्दे पर उनका राज ऐसा था जो शायद ही किसी अभिनेता का रहा हो। कहा जाता है कि लोग उनके इतने दीवाने थे कि उस दौरान लोग अपने बच्चों का नाम भी राजेश ही रखते थे और लड़कियां उनकी फोटो से शादी तक कर लेती थी। इस मौके पर कुछ किस्सों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर लोग राजेश खन्ना के कितने दीवाने थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का एक खास तो किस्सा। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते थे। वह मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। एक बार ऑपरेशन के लिए राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उस समय अस्पताल में ही उनके अगल बगल के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि जब भी मौका मिले वो राजेश खन्ना को अपने फिल्मों की कहानी सुना सके। राजेश खन्ना एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे और अपने स्ट्रगल के दौर में जब भी वो किसी से मिलने जाते थे तो महंगी कार में जाते थे। उस जमाने में लोगों के पास कार होना बहुत ही बड़ी बात होती थी। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। रिपोर्ट्स के अनुसार राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार जहां रुकती थी लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी रंग की हो जाती थी। उस दौर की मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक राजेश खन्ना के कार की धूल से लड़कियां मांग भी भरा करती थी। बहरहाल लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए। कुछ ने उनकी फोटो से शादी कर ली, कुछ ने अपने हाथ या जांग पर राजेश खन्ना नाम का टैटू गुदवा लिया। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थी। कहा जाता है कि कई लड़कियां उनकी फैन थी और खून से लेटर लिखकर वो अपने प्यार का इजहार करती थी। जब उनकी फिल्म थिएटर में लगी थी तो लाइनों में लगकर लोग टिकट खरीदते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस मेगा स्टार ने 18 जुलाई 2012 को भले ही दुनिया का अलविदा कह दिया हो, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी लोग उनकी फिल्मों को देखते हैं और गाने तो हमेशा के लिए सदाबहार हैं। आपको कैसा लगा ये किस्सा? और भी मजेदार किस्से सुनने के लिए जनहित टाइम्स देखते रहिए।